हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। एक हेयर पफ किस तरीके से आप इस तरीके से एक वॉल्यूमाइज हेयर पफ बना सकते हैं जो कि पूरे दिन तक आपका हेयर पफ जो है वो रहने वाला है। बिल्कुल भी आप अपने हेयर को अगर हेड को अगर सेक भी करते हैं किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस तरीके से हेयर पफ बनाएंगे तो आपका हेयर पफ जो है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और काफ़ी अच्छा दिखेगा, काफ़ी अच्छा वॉल्यूमाइज आप क्रिएट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड था, काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि जब भी हम हेयर पफ बनाते हैं तो मेरा क्लिप जो है वो हेयर में नहीं रहता है, मेरे हेयर बहुत सिल्की होने के कारण क्लिप नहीं टिकता है। तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्व हो जाएगा। अगर एंड बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हम जब भी हेयर पफ बनाते हैं तो बीच से मांग निकल आता है इस तरीके से, तो इस पफ को बनाएंगे आप तो बिल्कुल भी आपका बीच से मांग निकलने वाला नहीं है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत ही अच्छा टेक्निक है इस तरीके से पफ बनाने का। आई होप आपने पहले नहीं देखा होगा इस तरीके का वीडियो, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम अच्छे से कॉम कर लेते हैं एंड जैसे आप नॉर्मली पफ के लिए हेयर लेते हैं फ्रंट से, उसी तरीके से आपको हेयर ले लेना है फ्रंट से। बैक कॉम्बिंग नहीं करना है, बस आपको नॉर्मल इस तरीके से कॉम करना है। देन उसके बाद पीछे ले जाके जस्ट आपको एक छोटा सा रबर बैंड लगा लेना है। एंड आप छोटा सा रबर बैंड लगा लेंगे, बस यही इतना करना है कि आपको रबर बैंड लगा लेना है। देन उसके बाद आपका जो पफ है बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, अच्छा सा वॉल्यूम आएगा एंड आपको बहुत सारे क्लिप्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो सी कितना अच्छा सा वॉल्यूम आया है हमारे पफ में। आप चाहें तो इस रबर बैंड को बाद में रिमूव भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप पहले क्लिप लगा लीजिए, देन उसके बाद रबर बैंड को रिमूव कर दीजिए, बस इतना ही करना है एंड रेडी हो गया हमारा पफ हेयर स्टाइल। सो गाइज, देखा आपने कितना इजी था ये हेयर पफ बनाना, बिल्कुल ही सिंपल है। और इस तरीके से आप पफ बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपका पफ जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आप दिन भर इस पफ के साथ हेयर स्टाइल, पॉनी टेल, ब्रेड या फिर बन बना के रह सकते हैं। बिल्कुल भी आपका ये पफ जो है वो बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको कोई भी हेयर सेटिंग स्प्रे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग आपका ये पफ रहने वाला है। इस ट्रिक के साथ एक बार पफ जरूर बना के देखिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।